देखिए, एक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आज की काफी जिसके बारे में देख चुका हूं असहयोग आंदोलन किसे करते हैं, उसके क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन चलाने क्या कौन कौन से कार्य उत्तरदायी थे, असहयोग आंदोलन क्या उद्देश्य थे और असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, जिसकी व्याख्या इससे पहले भी किया सका किया जा सकता है। आज की टॉपिक है असहयोग आंदोलन के परिणाम जो सन 1920 में माननीय महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उस असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इसे क्या परिणाम निकले। तो इसका पहला पॉइंट यह है विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार। देखिए, असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के दो तिहाई भारतीयों ने विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार कर दिया, जो उस समय अंग्रेजी सरकार के शासनकाल के दौरान भारत में विधानमंडल का चुनाव होने वाला था, उस चुनाव का दो तिहाई भारतीयों ने बहिष्कार कर दिया, उसमें भाग नहीं लिया। दूसरा है शिक्षा संस्थाओं का त्याग। देखिए, उसमें भारत के लोग अध्यापक और छात्र दोनों ने असहयोग आंदोलन से इतना प्रभावित हुए कि स्कूलों कॉलेजों में जाना ही छूट गया, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करना ही उचित नहीं समझा, इसलिए अध्यापक और छात्र दोनों शिक्षण संस्थाओं का त्याग किया। अगला प्रभाव क्या पड़ा, भारतीय लोग काफी उत्साहित हो असहयोग आंदोलन से, भारतीय काफी उत्साहित होकर जो सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वह अपनी सरकारी सेवाओं को त्याग दिया, नौकरी छोड़ दिया। महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इतना ज्यादा उत्साहित हुए कि सरकारी सेवाओं का त्याग कर दिया। अगला पॉइंट है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। देखिए, असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर जगह जगह स्थान पर विदेशी वस्तुओं की होली जलने लगी, भारतीयों ने क्रांतिकारियों ने आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना शुरू कर दिया, असहयोग आंदोलन का यह भी प्रभाव पड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेज अपने देश से लाकर वस्तुओं को लाकर बेचते थे, हमारे देश से लाकर ले जाते थे, तो हमारे भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिए, जगह जगह होली जलाने लगे। अगला है 23 अप्रैल के भारत आंदोलन पर विरोध। देखिए, असहयोग आंदोलन का यह भी प्रभाव पड़ा कि ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर हड़ताल और तोड़ फोड़ प्रदर्शनों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, हड़तालों और प्रदर्शनों से उनका स्वागत किया गया, अर्थात बड़े पैमाने पर ब्रिटेन के राजकुमार के भारत आगमन पर विरोध जताया गया, विरोध किया गया और विरोध हड़तालों और प्रदर्शनों के माध्यम से किया गया। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष। देखिए, असहयोग आंदोलन का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलनकारी या भारतीय
स्वतंत्रता हमारा मूल सिद्ध अधिकार है, हमारा जन सिद्ध अधिकार है। यह हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे भारतीयों का, हमारे क्रांतिकारियों का आवाज थी। तो असहयोग आंदोलन का क्या परिणाम निकला आपने देखा इन बिंदुओं के अनुसार। इसके अलावा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। अब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के आह्वान पर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने कांग्रेस के सक्रिय नेताओं को गांधी जी सहित जेल में डाल दिया। कांग्रेस के सक्रिय नेताओं को गांधी जी सहित जेल में डाल दिया। इससे जनता भड़क उठी और आंदोलनकारी हो गई। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन 2 वर्ष तक सफलता पूर्वक चला था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस के सक्रिय नेता और गांधी जी को जेल में डाल दिया। तो भारत की जनता और भड़क उठी, और जब भड़क उठी तो वह 1922 में इसके विरोध में आंदोलन कर दिया। और यह आंदोलन इतना उग्र रूप धारण किया कि चौरी चौरा नामक स्थान पर, 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी में दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इससे आंदोलन हिंसक हो गया। जब हिंसक हो गया तो महात्मा गांधी जी को बहुत दुख हुआ और महात्मा गांधी जी ने दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। धन्यवाद।